ये बाइबल मेरे पास आई और मैंने जितना उसे पहचाना, 2010 में मैं एक कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था नवाज शहर में, 1500 कमाता था, अपने दोस्तों से शर्माता था कि मुझे यहाँ पर काम करते हुए देख के, प्लस टू के बाद जब मेरे दोस्त गुजरते थे तो मैं शर्मा के पीछे हट जाता था, दुकान के बाहर जाके शीशा साफ करता था, जल्दी देखता था कोई बाइक ना आ जाए, जल्दी जल्दी साफ करके जाता था, शर्मिंदगी के नीचे था कि जो अपने स्कूल में एक बाइक पर घूमता था, सिर्फ एक दो बंदों के पास स्कूल में बाइक होती थी उस टाइम, मेरे पास एक और लड़का था। और ये अचानक मेरी लाइफ फिनिश हुई, खत्म हुई, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, गलत बुरी संगत ने मेरे चरित्र को बिगाड़ दिया। 7th क्लास तक मैं फर्स्ट नंबर पर आया, 8th क्लास में मैं अगर 100 में से सिर्फ 16 8 जने मेरे सेशन में पास हुए, 8 जनों में से मैं था जो अच्छे नंबरों से पास हुआ, पर 8 के बाद गलत संगत ने मेरे चरित्र को बिगाड़ दिया। मैं भी कैट मैंने छोड़ी और एक कॉपी लेके स्कूल जाना शुरू कर दिया, वो भी पीरियड मिस, बंक मारना, भाग गए, कोई पीरियड पूरे नहीं, क्योंकि बुरी संगत ने उनके अंदर देख के कि हम कॉपी तैयार करते और मैडम चेक नहीं करती, क्या फायदा, शैतान ऐसी बातें डालना शुरू कर दिया। लाइफ जीरो हो गई, खत्म हो गई, आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला। काम ढूंढा, कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगा रहा हूं, कभी कोई आ रहा है बंदा तो पानी दे रहा उसे, चल चल छोटू पानी लेके आ, ओके जी लाता हूं, ओके पानी लेके आ, लो जी हालेलुया, चल ये भी यार मैं काम करके आ, ओके जी हो जाएगा, चल जे करके आ, ओके जी। ऐसी लाइफ थी, पर ये वचन सोने और चांदी से कीमती है, ये सोने और चांदी से कीमती है। लिखे परमेश्वर का वचन एक खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिससे एक व्यक्ति को पता चल गया, ओ जड़ा बेड़ दे विच खेत है ना सरदार भंसा सिंह दा, उदे विच खजाना आ, उन्हें दर्शन देख लिया, मान लो जानू कितना भणक पै गई, पता लग गया। और इसने क्या किया, अपने उस खेत को खरीदने के लिए बेड़ लाके, ओ पानी थल्ले, ना कोई पानी, ना कोई ट्यूबवेल, ना कोई कुछ, बंजर जमीन, ये रोड के रेट का उसे खरीदने के लिए खड़ा हो गया। बंदा कहता मैं नहीं यार, मुझे बेचने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों बेचूं। कहता कोई बात नहीं, तू दुगना ले ले। लोग कहने लगे पागल हो गया, पागल हो गया, पागल करने छड्या इसनु, क्योंकि इसे नहीं पता, इसे उस खजाने के बारे में पता चल गया। और उसने वो खरीद लिया खेत महंगे भाव में, और उसे वो खजाना मिल गया, वो अमीर हो गया। ये बाइबल ऐसा ही है वचन। लोग कहेंगे, रिश्तेदार कहेंगे, पड़ोसी कहेंगे, पागल हो गया, ये चर्च चर्च करते रहते, असं रिश्तेदार घर आते चर्च तुर पाते, ऐतवार को असं ऐतवार को ब्याह रखे होंगे, ब्याह दे नहीं आते, तुम बिन बुलाए क्यों आते हो, आप बोला करो। ने हमारा परमेश्वर VIP है, हम VIP की संतान है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है हम, पहले कॉल किया करो, फिर हम बताएंगे फ्री हैं, बाइबल पढ़ने का टाइम, सुसमाचार का टाइम, रोजे का टाइम, फिर चेक करेंगे, फिर बताएंगे आप आना, हालेलुया। आप VIP हैं, आप वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पैसे के रूप में वो आपको बड़े नजर आते हैं, कल वही लोग आपके लिए प्रार्थना के लिए आपके पास आने वाले हैं।